بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मा आदिल जूद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी शहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग अब्दुल्ला मॉल से बराए रास्त। नाज़रीन मोहतरम, आज की शहरी में हमारे साथ तआवुन किया है अब्दुल्ला बिल्डर्स, अलमदीना फ्लोर मिल्स, कोरोना पेंट्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद, निजवा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, अल्फा प्रॉपर्टीज, लाशिफा ब्रेड, रमादा होटल एंड मॉल, नूरिया समोसा और हेरल कलेक्शन ने। हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स के मशहूर हैं कि जिनके मुआवनत से आज हम इस बेहतरीन सेट से आपके सामने हाजिर हैं। नज़र मतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 29वां रोज़ा है और आज हम आप लोगों से रुख्सत भी लेने लगे हैं, तो आज हम लाए हैं आपके पास वो मेहमान जो कि हैं हैदराबाद न्यूज़ की जान, साथ ही साथ हैदराबाद की भी जान। मेरे लिए बहुत मोतबर मौजिज़ वो मेरे असातिज़ा में भी शामिल हैं, क्योंकि जो मैंने इस पूरी शहरी ट्रांसमिशन में पूरा माँ उनसे बहुत कुछ सीखा और यकीनन ये सिलसिला मोहब्बत मेरा इनके साथ आगे भी रहेगा, मैं इनके साथ आगे भी रहूँगा। और जाहिर सी बात है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है वो शुरू एक बार होता है लेकिन रहता ताहयात है। आप बहुत ही मौजिज़ और काबिल शख्सियात हैं, आप वो शख्सियात के जो ना सिर्फ मुझे बल्कि हैदराबाद से मज़ीद भी टैलेंट पहले निकाल चुके हैं और अब भी हैदराबाद की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। हैदराबाद न्यूज़ से आपने हमेशा मुखलिसी के साथ अपने खिदमत को सरंजाम दिया और हैदराबाद के मसाइल को उजागर किया, हैदराबाद की आवाम के हर मसले को उजागर करते हुए हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अगर न्यूज़ चैनल्स में अदा किया तो हैदराबाद न्यूज़ ने अदा किया। यकीनन हैदराबाद न्यूज़ हैदराबाद का एक सबसे पहला वेब चैनल है और वो भी आगाज़ आप ही लोगों ने किया। मेरे साथ मौजूद हैं हैदराबाद न्यूज़ के CEO जुहैब लतीफ़ नियाज़ी साहब और साथ ही साथ डायरेक्टर ऑफ हैदराबाद न्यूज़ उज़ैर खान जई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जुहैब भाई, हम आपको और उज़ैर भाई आपको हैदराबाद न्यूज़ के इस सेट पर, जो कि हमें कहना नहीं चाहिए, यकीनन आप लोगों ने हमें यहाँ रखा लेकिन फिर भी खुश आमदीद कहते हैं शहरी ट्रांसमिशन में। जी अली भाई, हमारे साथ कौन से हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं? कारी मोहम्मद उसामा हैदर कादिर साहब, जिनसे इंशाल्लाह हम सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। में गुजारिश करता हूँ कि हुजूर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नजाना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मा आदिल जूद वल करम। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी, अच्छी लगी खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी, अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं
न जाऊंगा कहीं भी डर नबी का छोड़ कर। मैं न जाऊंगा कहीं भी डर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी डर नबी का छोड़ के, मुझको कुए मुस्तफा की, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। नाज कर तो है हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पे, गई लगी अच्छी तो तेरी, गई लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी, अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। और आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी, क्या बात है कमाल कमाल। आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफा को, आशिकाने मुस्तफा को, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी भाई, भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे एक डायरेक्टर न्यूज़ उज़ैर खान जई साहब की फरमाइश पे बेहतरीन कलाम पेश फरमाया, और माशाल्लाह इनका भी तस्किरा हो गया, इनकी तरफ से आपको ये है कि फरमाइश हो गई। और नियाजी साहब की भी बात मैंने कही, वो नियाजी साहब की बात नहीं थी, वो जो शायर है ना उनका नाम नियाजी। अरे हम तो अपने नियाजी पे चले गए थे, खैर कोई बात नहीं, नियाजी तो नियाजी, हम खाने वाले भी नियाज हैं, हलवे माने खाते रहेंगे इंशाल्लाह, जिक्र नबी सुनाते रहेंगे। एक शेर मेरे जहन में आया, फिर उज़ैर भाई की तरफ चलते हैं, कि तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं, अगर भाई शेर है कि तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं, बिस्तर लगा है जिनका मदीने की गली में, बिस्तर लगा है जिनका मदीने की गली में। हमारे साथ डायरेक्टर हैदराबाद न्यूज़ उज़ैर खान जई, और साथ ही साथ CEO ज़ुहैब लतीफ़ नियाजी साहब मौजूद हैं। उज़ैर भाई, हैदराबाद न्यूज़ का सिलसिला शुरू होने से कबल आपकी और ज़ुहैब भाई की 3 साल, जैसे कि आपने बताया 3 साल पहले से दोस्ती थी, तो 3 साल कब से आपकी दोस्ती थी, क्या दोस्ती कैसे हुई, किस तरह आगाज़ हुआ? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त सफ़र था, और देखते ही देखते वक्त गुजर गया और मालूम ही नहीं हुआ कि कई साल गुजर चुके हैं। माशाल्लाह 6 साल तो तकरीबन हैदराबाद न्यूज़ को हो गए हैं, 6ठा साल ये चल रहा है, और उससे कबल तकरीबन मैं कहूँगा 3 साल से ज़्यादा का अर्सा है, तो क्योंकि मेरा आपको पता है कि प्रोडक्शन हाउस है ANM प्रोडक्शंस के नाम से, और मैं 2011 से ये कंपनी रन कर रहा हूँ हैदराबाद में, और एडवर्टीज़मेंट जो होती है मुख्तलिफ बिल्डर्स या प्रोडक्ट्स की, तो TV कमर्शियल्स का जो है वो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं TV कमर्शियल्स बनाता था और मेरी फर्म जो है वो ये सारे काम अंजाम देती थी। तो ज़ुहैब जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ एज एडवर्टाइज़र मार्केटिंग काम करते थे, तो हमारे एक दोस्त हैं राशिद भाई, उन्होंने एक दिन ज़ुहैब से मुझे मिलवाया और कि भाई इनका कोई प्रोजेक्ट था तो उसका कमर्शियल बनाना था, तो ज़ुहैब क्योंकि उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे तो मेरे पास आए इनको लेके, हमारी मुलाकात हुई, तो फिर हमने उस प्रोजेक्ट का ऐड बनाया साथ, उसमें हमारी इंटरेक्शन रही काफ़ी। तो उन दिनों जब हमारी मीटिंग्स होती थी कमर्शियल को फाइनलाइज़ करना, तो ये कि वो 6-7 मीटिंग्स हो गई तकरीबन उस कमर्शियल को फाइनलाइज़ होने में, और मतलब ये कि बनने से लेके पहले उसकी मीटिंग, फिर उसके बाद उसका बनना, फिर उसका फाइनलाइज़ होना, उसके बाद हैंडओवर होना, तो सारे में जो है वो ज़ुहैब से 6-7 मुलाकातें रहीं। तो ज़ुहैब क्योंकि 11-12 आदमी है, जॉली बंदा है, तो बस वो उसके साथ जो है वो मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा क्लोजनेस हो गई, तो मतलब एक दोस्ती वाला माहौल बन गया,
अमूमन जुहैब की शख्सियत ऐसी है कि जिससे भी एक दफ़ा मिल लेना तो वो बंदा फिर उसके साथ अटैच हो जाता है, ऐसा ही है। और अच्छा मैं भी इसी तरह का हूँ, मेरे साथ भी जो एक दफ़ा मिल जाए तो अगर कोई लंबी गुफ्तगू हो जाए आधा पौन घंटा, अगर कचहरी किसी के साथ हमारी हो जाए तो अमूमन हम दोनों के साथ ही वो लोग दोस्त बन जाते हैं। और फिर जैसे जैसे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है तो फिर आगे मजीद हमारी दोस्तियाँ गहरी होती हैं। अच्छा, तो उन दिनों जब वो बात हुई तो बस वो काफ़ी मेरे जुहैब मुझे मेरे माइंड का लगे, तो बस फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिर हम अलावा भी काम के मिलते रहे, फिर एक दो काम और जो है मेरे पास लेकर आए कुछ अच्छे के बाद के, एक दो कमर्शियल्स हमने मिलके बनाए, तो इस तरह हमारी दोस्ती आगे बढ़ती रही और फिर वो फाइनली माशाल्लाह जो है वो एक पक्की दोस्ती में कन्वर्ट हुई। यकीनन आप लोगों की बॉन्डिंग हम लोगों ने देखी है और बहुत अच्छे अंदाज से आप लोग अपनी दोस्ती के सफ़र को जारी और सारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। जुहैब भाई यकीनन आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, और सेट पर सबसे ज़्यादा अगर हम आएँ, और जाहिर सी बात है शहरी ट्रांसमिशन कबल उनसे एक डेढ़ कबल हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, तो उस दौरान जुहैब भाई के साथ कोई बैठ जाए और फिर पूरा सेट होता है और हम लोग होते हैं और हंस रहे होते हैं लोटपोट होते हुए, जुहैब भाई कितना सहमत है इनकी दोस्ती से अभी तक? आप दोस्ती तो ऐसी है कि समझ लें कि अब वो ना ख़त्म होने वाली दोस्ती है, और इंशाल्लाह जब तक सांसें हैं तो ये दोस्ती है। और दोस्ती मैं समझता हूँ उदेर से तो खैर गहरी दोस्ती है, उदेर के अलावा भी जो हैदराबाद न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारी हमारे हर स्टाफ के साथ दोस्ती है। हमारा कैमरामैन हो, हमारा एंकर हो, हमारा पियोन हो, वो हमारे दोस्तों की तरह है, हम सबके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। और ये हम दोनों की खूबी है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर दोस्तों की तरह हूँ तो ये थोड़ा सख्त मिजाज आता है, तो नहीं, हम दोनों बिल्कुल, और ना कभी हम अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ समझते हैं। तो दोस्ती तो इसके इसे तो मैं खैर दोस्ती कहता हूँ, और दोस्ताना मिजाज में ही हम अपने कारोबार को लेकर चल रहे हैं। और एक बात मैं आपकी जो आपने प्रोग्राम से कबल कही कि आप दोनों मालकान हैं हैदराबाद न्यूज़ के, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम दोनों हैदराबाद न्यूज़ के मालकान नहीं हैं, हैदराबाद न्यूज़ के मालकान आप भी हैं, और हैदराबाद न्यूज़ के वो भी मालकान हैं जो 97,000 हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो भी हमारे हैदराबाद न्यूज़ को ऑन करते हैं, उसके मालिक। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो बहुत बड़ी मौजूद शख्सियत हैं, सैयद बरकात अहमद रिजवी साहब, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उनकी जो उनका जो साया है हमारे सर पर, हम बस दुआ करते हैं कि अल्लाह उनका साया हमारे सर पर सलाम। अच्छा हाफिज़ साहब, मैंने एक बात देखी है उज़ैर भाई की और जुहैब लतीफ़ मियां साहब, कहते हैं एक शुरू से अब तक, क्योंकि मैं तो क्या नाम है, एक दफ़ा उज़ैर भाई किसी से बात कर रहे थे तो भाई मोहम्मद अली होस्ट करेगा, कहेंगे जी हम, तो उज़ैर भाई ने जवाब दे के लगा भाई इसका तो मकबरा भी हैदराबाद न्यूज़ पे ही बनेगा, ऐसे मज़ा आया था ना उज़ैर भाई ने। तो उज़ैर भाई का एक कहना होता है पूरी टीम को, तमाम स्टाफ को, कि भाई काम के टाइम पे आपने काम करना, यही बात है ना उज़ैर भाई, और काम के टाइम पे काम, और फिर जो मजाक का वक्त है, जो हंसी मजाक का वक्त है, इंजॉय का वक्त, उसके टाइम। और माशाल्लाह मैं आप दोनों हजरात को, आपकी और हमारी पूरी टीम को मैं खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे अहबाब हमें मिले हैं, इतना अच्छा स्टाफ मिला है, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत और तरक्की अता फरमाए। आपकी तरफ मैं आऊँगा, आपकी वालदा मरहुमा के लिए दुआ करूँगा, आपके वालिद गिरामी के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश और मफ़रत फरमाए, और आपके वालिद गिरामी अल्लाह उनको सेहत याबी अता फरमाए। मेरे सरपरस्त आलम में प्यार से कभी कभी मुलाकात होती है, हज़रत की बारगाह में जाता हूँ, उनको कभी मुर्शिद कभी हज़रत साहब कहता हूँ, बल्कि उनके मुँह पे भी और उज़ैर भाई से भी, क्योंकि भाई मेरे बड़े हैं और बड़े मुशफ़िक़ हैं, शफ़क़त फरमाते हैं, अल्लाह आपकी वालदा को भी सलामत रखे, क्योंकि सारे मामले भाई उन्हीं से हैं, आज ये यहाँ आएँ, आप यहाँ आओ, ये सब हम यहाँ आएँ, ये सब वालदेन की दुआ करते हैं, ऐसा ही है। और उज़ैर भाई की नज़र मौत खासियत बताऊँ, मैं जब पहली मुलाकात उज़ैर भाई से, वैसे तो 2019 के एंड में हुई थी, वैसे मेरी कोविड जब लगा था उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बाद जब मैं हैदराबाद न्यूज़ पर आया और उज़ैर भाई से मेरी कचहरी हुई, तो उन्होंने एक बात मुझे बताई कि हम चाहते थे हैदराबाद में एक ऐसा इदारा कायम हो कि जिसमें हर बंदा जो है ना, मैं उस दिन यहाँ पर एक हंसी मजाक की एक बात हुई थी, वो भी उसको कंटिन्यूटी में शामिल करूँगा, कि वो बंदा कह रहा है हमारे जो साथ हैं हैदर भाई, वो कहते हैं कि भाई यहाँ हर बंदा मालिक है हैदराबाद न्यूज़ पर, सही, हैदराबाद न्यूज़ पर हर बंदा मालिक की तरह काम करता है, जिसका जिसको दिल चाहता है जो दिल चाहता है बोल देता है, और यकीनन हैदराबाद न्यूज़ का ये खासा है। और उधर मैंने यही फरमाया था कि मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद न्यूज़ एक ऐसा इदारा बने, ऐसा इदारा कायम हो कि जिसमें सब बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत कंफर्टेबल वे में काम करें। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने साथ काम करने वालों को, अपने कलीग्स को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करना चाहता, बल्कि बहुत अच्छे अंदाज से लेकर चलना चाहता हूँ। और यकीनन आप ऐसे इदारा बनाने में कायम हुए और कामयाब भी हुए, आपने ऐसा इदारा कायम किया है हैदराबाद न्यूज़, और कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ, कितनी मुश्किलात आईं, और अभी तक मुश्किलात का सिलसिला जो जारी है कैसे ख़त्म होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किलात देखें, मुश्किलात जो होती है ना आपकी ज़िंदगी में, वो अल्लाह की तरफ से आपकी आपके लिए इम्तिहान होती हैं, तो कभी भी मुश्किलात से मायूस नहीं होना चाहिए, और मुश्किलात को कभी भी जो है ना तकलीफ़ में आके परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक सिस्टम सही से चल रहा है
और अगर उसमें कोई हर्डल आ रही है या कोई तकलीफ आ रही है तो ये समझ लें, इसको यूं समझ के करें कि ये अल्लाह का इम्तिहान है और आपने इसमें पास होना है। बिल्कुल। तो अगर जब आप इसको इस फीलिंग से करते हैं तो फिर आपको एक बड़ा सुकून मिलता है जब आप उस मुश्किल को अबूर कर लेते हैं। तो होता ही है बेसिकली, देखें हैदराबाद न्यूज़ की जो स्ट्रगल है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम तवील हो जाएगा और हर बार ये बात होती रही है, और हैदराबाद शहर का, क्योंकि हम वो लोग हैं कि हमने कभी भी आप हमारे, क्योंकि आपने देखा है आप माशाल्लाह मोहम्मद अली अमर सर 5 साल से हमारा स्टाफ है, आप भी मुझे अच्छे से जानते हैं, आपने कभी हम दोनों में कोई क्लफ की सूरत हाल नहीं देखी। बिल्कुल, हम लोग दोनों सादा मिजाज लोग हैं, ठल्ले पर बैठते हैं। आज भी आप हमें चाय पर बुलाएंगे हम आपके साथ होटल पर बैठ जाएंगे, हम अपने आप को कोई तोप नहीं समझते और हम हैं भी नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं और अल्लाह ने बस इज्जत दी है, शहर हैदराबाद के लोग हमसे प्यार करते हैं। तो ये है कि वही वाली बात है कि स्ट्रगल है बहुत बड़ी, और जाहिर बात है ग्राउंड ग्रास रूट लेवल से हम दोनों आए और बहुत सारी मुश्किलात को अबूर करके आए, और ये समझ लें कि अगर हम मैं इस तरह कहूँ कि हम दोनों ने मिलकर K2 की पहाड़ी सर की है तो ये कम ना होगा, और बहुत तकलीफ़ के दिन देखें और इस इदारे को खड़ा करने में, इस इदारे की जो बुनियाद है उसमें हमने अपना खून तक दिया। तो क्योंकि बेसिकली हैदराबाद न्यूज़ जो है ना वो एक सिर्फ एक न्यूज़ चैनल या एक कारोबार नहीं है। बिल्कुल, हैदराबाद न्यूज़ एक मिशन है, एक विजन है, एक अज़म है, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे मकासद हैं, मतलब एक कारोबार तो ज़ाहिर बात है ही, इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता भी है, लेकिन ये एक मिशन भी है, शहर हैदराबाद की खोई हुई हैसियत को बहाल करना और शहर हैदराबाद के लोगों की आवाज़ बनना और शहर हैदराबाद के टैलेंट को उजागर करना और शहर हैदराबाद की हर वो चीज़, अच्छी चीज़ पूरे पाकिस्तान समेत बशमूल पूरी दुनिया को बताना। क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद न्यूज़ नाम रखने का वजह जो थी मेरी और जो की यही थी कि हम दोनों अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा शहर जो कि एक ज़माने में एक बड़ा मारूफ और मकबूल शहर हुआ करता था और हैदराबाद के लोग तारीफ़ करते थे, आज वो चीज़ें मातूम हो गई है, तो हम वो हैसियत दोबारा बहाल करना चाहते हैं। तो ये मिशन है, तो ज़ाहिर बात है इसके बनाने में एक मिशन शामिल है, तो ज़ाहिर बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें और इस मकसद को रोकने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश भी की है। इवन जैसे आपने बताया कि हमारी दोस्ती के बारे में, आप यकीन करें लोगों ने बाकायदा हम दोनों को अलहदा अलहदा बिठा के वॉइस विद मैसेज करके हमें एक दूसरे के खिलाफ कान भरने की कोशिश करके बहुत कोशिश की है कि किसी तरह हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हो जाए। तो यकीन करें वो अब मुझे लग रहा है ब्रेक का वक्त हो गया है। जी उधर भाई वक्फे का वक्त मौजूद है भी हमारे पास 5 मिनट, और 5 मिनट में मैं इंतहाई अहम सवाल करने लगा हूँ जुहेब भाई से। जुहेब भाई दूसरी शादी कब कर रहा? दूसरी शादी तो मैं ये कहूँगा, दूसरी शादी करने वालों को मैं एक बहुत अच्छा मैसेज भी दूंगा, लेकिन दूसरी शादी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपको जीते जी यानी अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना है और अगर अल्लाह का कोई अज़ाब है जो आपके ऊपर नाजिल हो गया है तो फिर आपको मेरे ख्याल में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप नेक नीयति से चल रहे हैं और अल्लाह ने आपको अच्छी प्यारी औलाद से भी नवाजा है और एक अच्छी बीवी नेक सीरत बीवी से भी नवाजा है तो मैं नहीं समझता कि इंसान को दूसरी शादी करने की ज़रूरत है। तो माजरत के साथ ऑन कैमरा में यही कहूँगा कि दूसरी शादी ऑन कैमरा ये कहूँगा, ऑफ कैमरा नहीं कहूँगा। ऑफ कैमरा बहुत, ऑफ कैमरा तो गालियाँ दूंगा ना मैं, ऑफ कैमरा तो गालियाँ दूंगा, क्या ख्याल है अली भाई? ऑफ कैमरा तो गालियाँ देंगे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वो मिसालें देखी हैं जिनके साथ ये हुआ है, वो जो रंग बिरंगी कलरफुल लड़कियों के पीछे दीवाने हो जाते हैं और अपनी जो एक सादी सुदी सी बीवी होती है और फिर उसको छोड़कर वो उसके पीछे भागते हैं तो फिर वो ना पहली के रहते हैं और ना दूसरी के रहते हैं। और मैं तो ये ऐसी मिसालें दुनिया में हैं। तो मोहम्मद अली भाई इस पे मैं समझता हूँ अगर अल्लामा साहब आज हमारे साथ होते तो ज्यादा बेहतर रोशनी डालते इसके ऊपर। अल्लामा साहब हजरत रोशनी नहीं डालते, वो पूरे के पूरे फौज चलवा देते। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी नहीं है, होना नहीं चाहिए। और आज के दौर पर खास तौर पर कि आप एक बीवी और अपने एक बच्चे को पाल रहे हैं इतनी महंगाई के दौर में तो ये भी बड़ी बात है। दूसरी शादी तो वही करे जिसे वाकई कोई अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी सजा मिले, तो वही ये कदम। बहुत बेहतरीन अंदाज से जुहेब भाई आपने सवाल को कवर किया है और अपने आप को बचा लिया आपने। और भाभी मुझसे नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने ये मैसेज उसूली तौर पे उदयर भाई को दिया है। मैं कुछ नहीं कह रहा, जुहेब भाई मैं इस मामले में मुख्तलिफ राय रखता हूं। जी बिल्कुल, मुझे पता और मैं यही सवाल आपकी तरफ लाऊंगा, लेकिन अली भाई बात बता दूं आपके लिए। जुहेब भाई एक हमारे साथ मेहमान मौजूद थे रमजान मुबारक में, शब्बीर मुराद साहब, उन्होंने फरमाया था कि मेरा पास तुम हो के हवाले से, तो उसमें महविश का जो किरदार है ना वो अली भाई ने लिया था। अच्छा। और जो दानिश का किरदार है वो भाभी को दिया था, और यकीनन ये ऑन रिकॉर्ड था। मेरे आज तक के समय मैंने अब ड्रामा जब देखूंगा, जब तक मैं ईद के बाद अब देखेंगे भाई मेरे पास तुम हो, अब मेरे पास तो मेरा हैदराबाद न्यूज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़खर है क्या कि मेरे पास तुम हो। किसी ने पूछा तुम मेरे पास तुम हो क्या चीज़ है तुम्हारे पास, मैंने कहा मेरे पास मेरा हैदराबाद न्यूज़ है जिसने माशाल्लाह मेरा सर जो है फ़खर से बुलंद कर दिया है। क्यों कर दिया है आपको मैं आज बताता चलूँ। 5 साल हो गए किसी भी इदारे में जाके खड़ा होता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ,
सलूट मिलती है। क्यों? क्योंकि मेरे हैदराबाद न्यूज़, मेरे हैदराबाद न्यूज़ की टीम, मेरे हैदराबाद न्यूज़ के मालकान बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। गली के मसाइल, शहर के मसाइल, सियासी, समाजी, मजहबी, टीवी के मामला आएँ और डायरेक्टेशन के मामला आते हैं और साथ में और अगर फिल्म के मामला आते हैं और अगर कितनी भी बहुत सारे शोबा जाते हैं, अगर हम इस हैदराबाद न्यूज़ के संबंध में जब गोता लगाएंगे ना तो गोते गोता खाते चलेंगे। एक बार फिर मेरे दोनों मालकान बैठे हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। एक इदारा ऐसा होता है जिसमें एक ही बंदा एक ही किस कर रहा होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हैदराबाद न्यूज़ ऐसे हैदराबाद न्यूज़ है जिसमें मजहबी शोबा एक बंदे के पास है, ड्रामों का शोबा एक बंदे के पास है, फिल्म का शोबा एक बंदे के पास है, मजहबी लोगों के रबते एक बंदे के पास है, सियासी लोगों के रबते एक बंदे के पास है। और मैं क्या क्या बताऊं, वक्त कम है, वरना नहीं तो मैं बताता आपको कि मेरे हैदराबाद न्यूज किस तरह 5 साल से काम कर रहा है, करता रहेगा। मैं मोहम्मद अली के चेहरे के तासुर समझ रहा हूँ, इनके पास हैदराबाद न्यूज के अलावा ऑप्शन नहीं है, वरना इनकी जो वाइफ है ना बेगम, उनके पास तलवार है, वरना इनका सर धड़ से अलग भी हो सकता है। आप कुछ सोचे? मैं छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ब्रेक का टाइम हो गया। मोहम्मद अली का जो है वो माशाल्लाह से हमारे साथ पहले दिन से रोज अव्वल से हैदराबाद न्यूज के साथ है और मैं बारह इस बात का ऐलान कर चुका हूँ, अभी मैं जो है वो फिर ऐलान करूंगा। इससे पहले भी रोजों में हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती रहती है, तो मैं आपको एक चीज मेंशन करता चलूँ, मोहम्मद अली की हमसे मोहब्बत इस वजह से है कि मोहम्मद अली को हटाने के लिए भी बहुत सारी ऑफर्स मिली मुझे। इवन मुझे रमजान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ हैदराबाद शहर के लोगों ने ये भी कहा कि यार उसको बोलना नहीं आता, उसका ये मसला है, उसका वो मसला है। मैंने बोला देखें, बात यह है कि मेरी आदत है कि मैं एक दफ़ा किसी से दोस्ती करता हूँ, मैं एक दफ़ा किसी को भाई कहता हूँ, और जब मैंने भाई कह दिया तो वो मेरे साथ कितना ही बुरा सलूक क्यों ना करे, मैं अपनी कमिटमेंट का पक्का हूँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मोहम्मद अली की जगह कोई नहीं ले सकता हैदराबाद न्यूज़ की करवे रमज़ान और मरहबा सरवर कौनैन में। दूसरा होस्ट तो आ सकता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जैसे कि आप बैठे हैं, लेकिन मोहम्मद अली की जगह कोई नहीं ला सकता। इवन कि कोई मुझे 10 लाख रुपए भी क्यों ना दे, मैं पैसे नहीं लूंगा मोहम्मद अली की। हाँ, मैं दूसरा होस्ट तो दे दूंगा, लेकिन मोहम्मद अली की जगह नहीं। और अक्सर हर साल 5 सालों में रमजान मुबारक से चंद दिन पहले मोहम्मद अली पर कातलाना हमले भी हुए हैं। हाँ, बाकायदा। और हमने उसको सिक्योरिटी भी दिलवाई, तो गार्ड लेके घूमता है इसके लिए। जी, ब्रेक पे जाते हैं। जी नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही है, वक्त जो है बहुत कम है, और माशाल्लाह ये बातें तो ऐसी हम ऑफ कैमरा भी इतनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। हम तो माशाल्लाह ऑफ कैमरे की बात बता दूं कि उलमा इकराम के लिए तो बड़ी बड़ी हमने माशाल्लाह सहूलतें भी रखते हैं, वो सहूलतें हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते। अल्लाह करीम सबको आबाद व शाद फरमाए। वक्त हुआ है एक वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद, देखते रहें करम रमजान पावर्ड बाय एवर ग्रीन क्लॉथिंग अब्दुल्ला मॉल से। बराह रास्त अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 है 150-200 वालन जा रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला माल यूटर्न सा लगोलग कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार तपो अचो त गडजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तहां जे ख्वाबन जो घर तामीर करियूं राबते लाए 0333-078-1163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालेहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। Hey!
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खसूसी शहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग हैदराबाद के अधीन मुशान मंसूबे अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक से कबल बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू चल रही थी CEO ज़ुहैब लतीफ़ साहब और डायरेक्टर उज़ैर खान ज़ई साहब के साथ। मैं चाहूँगा अली भाई क्या कहना चाहेंगे आप? हज़रत माशाल्लाह, मैं तो एक बार फिर उज़ैर भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और सर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये वही हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी है जो आज से चार पाँच साल पहले लेने के इसको पहली ट्रांसमिशन में एक निजी हॉल से की थी तो बोलने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की मेहरबानी है, वक्तन पा वक्तन गाहे बागा मेरी इसलाह करते रहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ट्रांसमिशन, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें यही मोहम्मद अली होता है और उन लोगों को जवाब भी मिल जाता है। जिस तरह उज़ैर भाई ने जिस तरह मुझे सपोर्ट करा, अल्लाह ताला लतीफ़ नियाज़ी साहब को आबाद रखे कि वही मोहम्मद अली है जो पाँच साल पहले जिसको एक ट्रांसमिशन करने में बड़ी परेशानी लाक आई थी। जब दूसरा साल आया तो मेरे डायरेक्टर न्यूज़ उज़ैर खान ज़ई साहब, मेरे मावनीन जनाब मकरम नियाज़ी साहब ने इतनी अच्छी बेहतरीन अंदाज से इसलाह फरमाई, हर कदम पे इसलाह फरमाई। पर आज देखने बस उज़ैर भाई कहते हैं मोहम्मद अली बेटा ट्रांसमिशन है, एक दो हफ्ते पहले बताते हैं। और मोहम्मद अली नक्शबंदी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना करम हो गया इन दोनों की माशाल्लाह मेहरबानियों से और इन दोनों ने जो जिस तरह इसलाह फरमाई है मीडिया की फिल्में मेरी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उज़ैर भाई अगर एक दिन बाद भी कहेंगे मोहम्मद अली नक्शबंदी राह दीन करना है, मोहम्मद अली हाजिर है और मोहम्मद अली मरहबा सरवर कौनैन करना है या करम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही, कोई भी प्रोग्राम होता है मजहबी हवाले से मैं इंशाल्लाह हाजिर रहता हूँ। तो सब बात यह है कि अपने बड़ों का अदब भी करना है और इनकी दुआएं भी लेनी है। और एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे हैदराबाद न्यूज़ की टीम का एक ख़ास हिस्सा चीफ कैमरा मैन मोहम्मद शाकिर कुरैशी के लिए मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह करीम उनको बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में नेक साल औलाद अता फरमाए। बहुत प्यारा काम करते हैं, हर कदम पे माशाल्लाह मेरा साथ देते हैं, अल्लाह करीम मेरी पूरी टीम को आबादशात फरमाए। जी हसन अली भाई बिल्कुल सही बात फरमाई आपने, ज़ुहैब भाई हों या फिर उज़ैर भाई, फर्स्ट डे से लेकर अभी तक बहुत अच्छे अंदाज से हर मामले में इसलाह फरमाई। और कभी कभार तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बात करते करते स्टार्टिंग में ऐसा होता था जब फर्स्ट ट्रांसमिशन में करने लगा मैं भूल गया था बात, जहर सी बात स्पॉन्सर्स के नाम थे वो इतने ज़्यादा नाम अचानक से एक रिदम में बोलना। और मैंने पहला तजर्बा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा पहला तजर्बा हैदराबाद न्यूज़ के साथ और बहुत अच्छा तजर्बा रहा। और ज़ुहैब भाई ने बड़े हंसी मजाक वाले अंदाज़ में समझाया, उज़ैर भाई ने कहीं सख्ती भी की कहीं प्यार भी किया और बहुत अच्छे अंदाज से समझाया। साथ ही साथ जो पूरी टीम मौजूद है, हैदर भाई मुझे समझाते रहे वक्तन फावक्तन के भाई ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ये बात करनी है। शाकिर कुरैशी साहब मेरे साथ जो रोज़ का सफ़र उनका रहा यहाँ से लेकर हीराबाद तक, वो मेरे साथ गए, मेरे ब्रदर भाई भी हैं मैं ये कह सकता हूँ शाकिर कुरैशी भाई। चीफ कैमरा मैन हमारे बहुत अच्छे मिजाज के, साथ ही साथ हमारे साथ नबील थे और दीगर जितने भी रबी भाई, मुजम्मिल भाई, मुजम्मिल भाई, इनायतुल्लाह कंबरानी, मुजम्मिल भाई ने बड़ा कोऑपरेट किया मुझे बहुत सारी चीज़ों में और साथ ही साथ इनायत कमरानी भाई ने तो इतना सपोर्ट किया। रोज़ यकीन माने जो चाय आती है और कमाल चाय आती है, बेहतरीन चाय आती है और साथ ही साथ जो शहरी होती है बहुत मज़ा आ जाता है। मैं दोबारा से चलूँगा, अब बात करेंगे सर स्पॉन्सर्स की, वो स्पॉन्सर्स जो कि ट्रांसमिशन की जान है बकौल आपके, वो स्पॉन्सर्स के जिन्होंने आज इस बेहतरीन सेट में मदद की सर बकौल आपके, तो एक एक स्पॉन्सर की बात करेंगे, एक एक शख्स से करेंगे। सबसे पहले ज़ुहैब भाई, अब्दुल्ला बिल्डर्स तो खैर मैं समझता हूँ कि आइकन है हैदराबाद में। मैं समझता हूँ कि अगर आप हैदराबाद से अब्दुल्ला बिल्डर्स को एक तरफ करें तो हैदराबाद में और ख़ास तौर पर कासमाबाद में फिर बचता ही गया है। तो अब्दुल्ला बिल्डर्स तो एक शाहकार है और इस वक्त जो हम अब्दुल्ला मॉल में बैठे हैं और अब्दुल्ला मॉल मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के खूबसूरत मॉल्स में से एक मॉल्स है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब्दुल्ला टावर, मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला टावर जैसी जो एक जेंट्री है और अब्दुल्ला टावर का जो निज़ाम है वो पूरे हैदराबाद में क्या ख्याल है उधर किसी भी जगह हमें नहीं उसका नजर आता कि पूरे सिंध में, कराची के अलावा पूरे सिंध में हमें कहीं भी अब्दुल्ला टावर का एक सिस्टम है, कोई लोड शेडिंग फ्री है, कोई मतलब यहाँ के कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिससे किसी रेजिडेंशियल को कोई परेशानी होती हो। तो मैं समझता हूँ ये शाहकार प्रोजेक्ट है। अब तो अभी तो खैर माशाल्लाह से अब्दुल्ला सिटी एक्सटेंशन के नाम से भी, स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन के नाम से नया प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह पाक इनको इसमें भी कामयाब करे। हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, अब्दुल्ला बिल्डर्स का बहुत शुक्रिया, इकबाल कुरैशी साहब का बहुत शुक्रिया और नजम साहब का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब का बहुत शुक्रिया। और ये वो लोग हैं जो हमारा साया हैं और इन्हीं की बदौलत हम आगे बढ़ते चले जाएंगे जबरदस्त। और मैं आपसे खुद मेंशन कर देता हूं क्योंकि आप हमारे मेन स्पॉन्सर को भूल गए, क्योंकि अब्दुल्ला बिल्डर जो है हमारे को स्पॉन्सर बिल्कुल मेन स्पॉन्सर देखें नहीं जरूरी है। सबसे पहले जब मेन स्पॉन्सर जिसे हम कहते हैं तो मेन स्पॉन्सर का नाम उसका हवाला नंबर 1 पे आना चाहिए,
क्योंकि वो उसी बात से उन्होंने हमें जो है वो पैसे भी दिए हैं और मतलब सपोर्ट भी किया है। तो एवरग्रीन क्लोथिंग हमारा इस साल का मेन स्पॉन्सर था और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, उमैर साहब के, उमैर हुसैन साहब। और ये ऑटोभान रोड पर इनकी जो है वो ऑटोभान टावर के कॉर्नर पर पहली शॉप है और बड़ी ज़बरदस्त आउटलेट है। और इसके अलावा अब्दुल्ला मॉल में भी इनकी आउटलेट खोल दी गई है, दो आउटलेट हैदराबाद में हुई हैं और अनकरीब मजीद शहर हैदराबाद में और इंटीरियर सिंध में इनकी आउटलेट्स खोल रही हैं। पूरा नेटवर्क है और तमाम मेहमानों को इनकी जानिब से बड़े ज़बरदस्त तहाइब दिए गए और यहाँ पर बहुत अच्छी इनके पास जो है वो स्टफ़ मौजूद है। और ना सिर्फ जेंट्स, लेडीज़, किड्स वैरायटी है, इसके अलावा बेडशीट्स हैं, पिलोज़ हैं और दीगर एसेसरीज़ जो होती हैं, मेंस एंड वुमेंस पर्स होते हैं, बेल्ट्स हैं, ग्लासेस वगैरह और मज़ीद ये चीज़ें भी ऐड हो रही हैं इसके अंदर ना, परफ्यूम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक वन स्टॉप शॉप है क्लोथिंग के हवाले से, तो ज़बरदस्त ब्रांड है और रेट्स बहुत मुनासिब हैं। क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी, बहुत सारे लोकल ब्रांड्स होते हैं, ऑटोभान पर कोई भी ब्रांड आ जाए ना, भले वो लोकल हो, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना रेट 2000 रुपये का 4000 कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनको करना पड़ेगा। एसी चल रहे हैं, इतना बड़ा आउटलेट है, एक मैनेजर रखा हुआ है, पर वो तो जगह भी महंगी है, मतलब उस जगह का किराया 5-5 लाख रुपए है, उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, तो 8-10 लाख रुपए की आउटलेट पड़ती है ऑटो भाड़े पे, फिर उसको बनाने में करोड़ रुपया लगता है। तो अब अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा ना लेंगे तो वो अपना मामला कैसे पूरे करेंगे? इसकी जगह अगर वही दुकान आप 8 नंबर मार्केट में खोलें तो वहाँ पर एक लड़के से काम चल जाता है, मालिक खुद खड़ा हो जाता है, एक बच्चा रख लेता है, एसी है तो ठीक है, लेकिन मतलब बहुत फ़र्क है। यहाँ अगर 10 लाख है तो वहाँ 1 लाख है, बिल्कुल तो जाहिर बात है। तो वहाँ लेकिन ये है कि क्वालिटी आपको ऑटोमान वाली मिल रही है और रेट्स आपको 8 नंबर या गुल सेंटर वाले मिल रहे हैं। जब मैं खुद गया जब फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए, तो मैंने वहाँ से जाके 2-3 शर्ट्स खरीद ली और बाद में बच्चों को भी लेके गया। मैंने ईद की शॉपिंग एवरग्रीन से ही की है क्योंकि उनके पास वैरायटी बहुत अच्छी है, तो रेट्स मुझे मिल गए वही वाले, तो क्यों ना फिर जब हमारे पास 8 नंबर वाले रश में घुसने के बजाय वहाँ एक के ऊपर एक कंधा टकरा रहा होता है रमजानों में, जब आप जाते हैं शॉपिंग के लिए आपको आउटलेट में एक अच्छा माहौल मिल रहा है, आप एसी में सुकून से, एंट्री भी अच्छी आती है ऐसी जगहों पे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बाहर पार्किंग भी आपकी सुकून से दुकान के आगे पार्क हो जाती है आपकी गाड़ी में, 8 नंबर में आप रोड पे खड़ी करें, मतलब चीज़ें। तो भाई अगर आप 8 नंबर वाले या गुल सेंटर का बजट अफोर्ड करते हैं तो आप एवरग्रीन पे चले जाएँ, यहाँ से आप शॉपिंग कर लें, तो एक अच्छा है। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ एवरग्रीन का और बहुत ज़बरदस्त है। तो नाज़रीन आप जाइएगा बिल्कुल एवरग्रीन, और पहले दिन से हम बता रहे हैं और आप जा भी रहे हैं और एवरग्रीन का हमें भी रिस्पांस मिल रहा है कि हैदराबाद में उसके बहुत कस्टमर्स आ गए हैं, मज़ीद भी जाइएगा। अलमदीना फ्लोर मिल जो है भाई, अलमदीना फ्लोर मिल यासिर भाई, तो मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एक तो सबसे बड़ी बात कि इंसान बहुत अच्छे हैं और प्यार करने वाले इंसान हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ प्यार करते हैं, वो हर उस शख्स के साथ प्यार करते हैं जिसमें टैलेंट होता है और वो आगे बढ़ने की जस्तजू रखता है, वो हर उस शख्स को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी उनका खासा यही है और माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको नवाजा है और वो सपोर्ट करते हैं, उनकी जो है वो मोहब्बत है हमारे साथ है। तो हम यासिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह उनको और उनके वालदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे और इसी तरह अल्लाह उनको कामयाबियाँ देता रहे, हमारी दुआएं उनके साथ। उजर भाई, कोरोना पेंट्स और ग्लैमर पेंट्स, ग्लैमर पेंट्स और कोरोना पेंट्स की आपने बात की जो कि अदील सिद्दीकी साहब से मंसूब हैं, और अगर हम अदील सिद्दीकी की बात करें तो जैसा कि जुहेब ने यासिर भाई के लिए कहा, तो मैं समझता हूँ कि अदील सिद्दीकी हैदराबाद की इंतहाई नफीस और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और इनके वालिद ग्रामी से इनको ये सब मिला, अमाद सिद्दीकी साहब मरहूम जो कि पिछले ही साल इंतकाल फरमाए, और अभी रिसेंटली अदील भाई के बड़े भाई असफर भाई, वो बहुत प्यारे आदमी थे, वो भी ना इवन मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका भी अब इंतकाल हुआ, तो अदील भाई अभी भी शोक के आलम में, तकरीबन 2 माह उनको हुए हैं, तो रमज़ान से 1 माह कबल उनका इंतकाल हुआ था। तो अदील भाई शहर हैदराबाद की क्योंकि एक बहुत प्यारी संजीदा और खूबसूरत शख्सियत हैं और बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक हैं, और मैं यूँ कहूँ कि हैदराबाद न्यूज़ की सरपरस्त हैं, क्योंकि जिस तरह अदील भाई हमें सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कभी भी हमसे इश्तिहार की बात नहीं की, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि यार ये चीज़ क्या चलेगी, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। अमूमन स्पॉन्सर्स आपसे सवाल करते हैं, आपको उन्हें रिपोर्ट देनी होती है कि आप क्या चलाएंगे, आप उनसे क्या पैसे जो ले रहे हैं, वो ना सिर्फ महाना बेसिस पे हमें बहुत हैंडसम अमाउंट पे करते हैं बल्कि हमारी तकरीबन चीज़ों में हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम बस उनको फ़ोन करते हैं, अदील भाई ये काम है, वो कहते हैं ठीक है बेटा कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। इवन मैं आपको बताऊँ, जब हमने ज़वार शुरू की, तो आपको पता है कि जैसे हैदराबाद की सबसे बड़ी फिल्म हम ज़वार बना रहे हैं, तो उसमें भी हमें अमाउंट की प्रॉब्लम थी, कुछ इशूज़ थे, तो हम दोनों ने अदील भाई को फ़ोन किया, अदील भाई मिलना है, बोला आ जाओ चाय पे, और घर पे वो अक्सर हमारे साथ उनके साथ उनके घर पे हम जाते हैं, डिफेंस में कचहरी होती है, तो मैंने कहा अदील भाई मैं फिल्म बनाना चाहते हैं दोनों और हमारे पास जो है पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हमें जो ना ज़रा शुरुआत करवाते हैं हमारी, हमारा धक्का लगे, हम शुरू होंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम अपने भी लगाएंगे लेकिन शहर हैदराबाद के लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, हमने कैसे भाई कर लोगे जी देख लो, वैसे तो मुझे तुम पे, उनके ये भी अल्फाज थे कि तुम पे ट्रस्ट है कि तुम लोग कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रोफाइल ऐसा है कि तुम जो ठान लो कर देते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट हमें दिया, बोला ठीक है बेटा ये लो। तो ये मतलब एक बड़े भाई की तरह शफकत करते हैं वो हमसे, वो ये नहीं पूछा उन्होंने मेरा लोगो कहाँ लगेगा,
या मेरा स्पॉन्सर लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं, बोला ठीक है बेटा करो। तो ये चीज़ है, तो बहुत ही नफीस शख्सियत है, मैं उनका बारह शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, फिर कर देता हूँ ट्रांसमिशन में। अदील भाई थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त। और हाजी महफूज शीरमल हाउस, वो भी आपसे पूछना चाहूँगा, बताएं। बिल्कुल, वो आप जेब से ही पूछ सकते हैं। फाद मियाँ आबिद मियाँ दहलवी साहब के साहिबजादे हैं, उनके वालिद का भी शहर हैदराबाद में बड़ा किरदार है और बड़ी नफीस शख्सियत हैं। आबिद मियाँ दहलवी साहब से बहुत हमारा जो है वो एक अच्छा रिश्ता है, बच्चों की तरह हमें ट्रीट करते हैं और उन्होंने फाद भाई की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि भाई, और फाद भाई तो क्या ही कहने, बहुत ही मुनफरद और मीठे आदमी हैं। आप उनके पास भी ना नहीं है, फाद भाई ये काम है आ जावा हो जाएगा। उन्होंने भी आज तक सवाल नहीं किया कि यार ये मेरा ऐड कहाँ लगेगा या मेरा लोगों का लगेगा, नहीं, फाद भाई ये काम है, फाद भाई ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है बेटा। मैंने हाजी महफूज शीरमाल तो वैसे भी ब्रांड है, उसको वैसे क्या भी ब्रांड है, जरूरत नहीं है, और रोटी तो वैसे भी हर घर की जरूरत है। अरे सर 29 दिन से हम खाते, आज 29 दिन खाते आ रहे हैं सेरी के अंदर, तो फाद भाई का और शीरमाल के बानी, शीरमाल के बानी है हाजी महफूज शीरमाल हाउस वाले, शीरमाल ही इनका इजाद करता है। तो फाद भाई के पास भी यही सूरत हाल है, फाद भाई का भी मोहब्बत भरा सिलसिला है हमारे साथ। फाद भाई ये काम है, फाद भाई ट्रांसमिशन है, अच्छा भाई क्या देना है, फाद भाई जवाब दे दें, अच्छा ठीक है यार जाओ हो गया काम आपका, तो इस तरह चलता है सिलसिला। तो फाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। एसोसिएशन ऑफ डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए इतना कहूँगा कि अभी रिसेंटली जो मेरे ख्याल में 4-6 महीने हुए, फराज मेमन साहब और उबैद राजपूत साहब और एजाज अहमद कादी साहब जो ये आए हैं, वाइस चेयरमैन फराज मेमन साहब हैं और REC मेंबर हैं उबैद राजपूत और एजाज अहमद कादी, बेहतरीन शख्सियात हैं और ज़बरदस्त इस वक्त बिल्डर्स की जो मसाइल है उस पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्डर्स की जो इंडस्ट्री है क्योंकि उससे लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है तो उसके लिए बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई है कि बिल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, काम रुक गए हैं, कंस्ट्रक्शन के काम रुक गए, तो लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह के अल्लाह पाक बिल्डर्स की जो ये तंजीम है इसको इसी तरह आबाद रखे और ये कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहे। हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगा फराज मेमन साहब का, एजाज काजी साहब का और उबैद राजपूत साहब का। निजवा इंटरनेशनल, निजवा इंटरनेशनल से तो समझ लें कि निजवा इंटरनेशनल कंपनी है लेकिन इसके जो ओनर है उससे रिश्ता बड़ा पुराना है हमारा, मलिक शफाकत अली साहब गुजरांवाला से, यहाँ से हम फ़ोन करते हैं माशाल्लाह और गुजरांवाला से हमें वो कहते हैं कि बस ये तुम्हारे लिए मैंने ओके कर दिया है, तो ये उनकी बड़ी मोहब्बत है और ऐसे समझ लें कि निजवा इंटरनेशनल इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा और बड़ी नेक नियति के साथ और बड़ी मुखलिसी के साथ अपनी ब्रांड को ए क्वालिटी के साथ उन्होंने लॉन्च किया। निजवा का शैम्पू भी है अगर आप कभी आपने इस्तेमाल किया हो और निजवा ब्यूटी क्रीम भी है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, तो मैं समझता हूँ कि मलिक शफाकत अली साहब का हाथ साया हमारे सर पर है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे और कामयाबियों से नवाज़े। उज़ैर भाई, अल्फा प्रॉपर्टीज़, अल्फा प्रॉपर्टीज़ जो है वो हाल ही दिनों में कुछ अर्सा कबल ही शुरू हुआ है और ये एक रियल इस्टेट की मार्केटिंग कंपनी है जो कि मुख्तलिफ बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे हुसैन मार्केटिंग है, स्टार मार्केटिंग, इस तरह की कंपनी है अल्फा प्रॉपर्टीज़ जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जो है वो सेल आउट करती है और इसके जो हेड हैं वो नवीद लगारी हैं, हैदराबाद में एक अर्से से इसी फील्ड से इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, एक निजी चैनल के मार्केटिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। तो नवीद लगारी भी हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत प्यारा भाई है हमारा और जाहिर बात है कि हैदराबाद शहर में उन्होंने बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में ज़बरदस्त नाम पैदा किया, तो एक रियल इस्टेट का उभरता हुआ नाम है, तो नवीद लगारी का शुक्रिया। ज़ैनब भाई, ज़ैनब कुकिंग वाइज, ज़ैनब कुकिंग ऑयल के बारे में उज़ैर भाई बताएंगे। ज़ैनब कुकिंग ऑयल का मैं यूँ बताऊंगा कि असल में ज़ैनब कुकिंग ऑयल के जो करता धत्ता हैं और रहीम साहब हैं उनके बेटे हैं माजिद खान, तो माजिद से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो मेरे क्लाइंट ही नहीं मेरे भाई है और आपको पता है हैदराबाद शहर में जो भी जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं या जितनी भी डिग्निटीज़ हैं ज़्यादातर के साथ हमारा जो है ना वो क्लाइंट और उसका रिश्ता नहीं है वेंडर का, उनके साथ हमारा भाई का रिश्ता है, किसी के हम बेटे हैं, किसी के हम छोटे भाई हैं, किसी के हम दोस्त हैं, तो ये है कि माजिद भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उम्र ही है बल्कि मुझसे छोटा है उम्र में, लेकिन माजिद भाई जो है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और हर ट्रांसमिशन में उनका कोई ना कोई हिस्सा होता है, तो ये है कि और उनके जो चाचा हैं करीम पीके वो भी बड़े मशहूर हैं, ये पीके रेस्टोरेंट जो है ऑटोभान पे उन्हीं का है और तो करीम भाई से तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है बल्कि याराना कह लें, उनके साथ हमारा मजाक भी है, तो माजिद भी बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं और जब भी मैंने कहा है उन्हें हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। जो भाई रोज़ सहरी में हम ब्रेड खा रहे थे लासिफा की, तो लासिफा ब्रेड के लिए तो मैं यही कहूँगा कि शायद कैम खानी भाई पहले दिन से हमारे साथ हैं और कभी उन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए ना नहीं किया
और बस जब हम अपनी अर्जी रखते हैं कि सर ये प्रोग्राम है या रबीउल अव्वल ट्रांसमिशन है या अगस्त की ट्रांसमिशन है या ईद ट्रांसमिशन है या रमज़ान ट्रांसमिशन है, तो बस समझ लें कि शाहिद भाई की मोहब्बतें शामिल हो जाती हैं उसके साथ और पहले दिन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हैदराबाद न्यूज़ की शुरुआत से मैं शामिल करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं कि भाई हैदराबाद न्यूज़ पर आपका ऐड चल रहा है, तो वो कहते हैं भाई सुल्तान मेरा दोस्त है और उज़ैर मेरा भतीजा है, तो लिहाजा ये मेरा भतीजा है वो इश्तेहार चलेगा और सारी उम्र चलेगा। रमादा होटल एंड मॉल से भाई। रमादा होटल तो खैर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आलिम उबैद भाई ने और माशाल्लाह उमर भाई ने, उमर राजपूत भाई ने इन्होंने लॉन्च किया और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की जो रौनक है उसमें चार चांद लगा देगा ये प्रोजेक्ट, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इनको अल्लाह कामयाब करे, बहुत तेज़ी से काम भी चल रहा है। उबैद राजपूत भाई की, उमर राजपूत भाई की मोहब्बतें हमारे साथ शामिल हैं और बस अल्लाह इन्हें कामयाबी दे और इसी तरह हमारे साथ चलते रहे। उज़ैर भाई, हैरल कलेक्शन, हैरल कलेक्शन का मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा वो करीब हैं, तो अगर हैरल कलेक्शन का मैं शुक्रिया अदा कर देते हैं, हम दोनों हैरल कलेक्शन ने हमें बहुत अच्छे वार्डरोब्स दिए और उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया और हमने बहुत अच्छा। हैरल कलेक्शन जो है वो तिलक चाड़ी पर वाकई एक शॉप है जो भाई बेहतरीन शॉप, जहाँ पर रेडीमेड कपड़े भी होते हैं, साथ ही साथ अगर कोई वहाँ से पसंद कर बनवाना चाहे तो वहीं पर बनवा भी सकता है। और ये जो हमने वार्डरोब पहने हैं पूरे महीने, अक्सरियत उनके थे, हमारे अपने भी मौजूद थे लेकिन अक्सरियत उन्होंने हमें दिए थे और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा ब्रांड है, जाहिर बात हम इस्तेमाल किए तो हमें पता ही है। और साथ ही साथ नूरिया समोसा, नूरिया समोसा तो पूरे रमजान में बेचा होगा इन्होंने दो आगे नहीं, नूरिया समोसा क्योंकि हमारे स्पॉन्सर है ज़ुएब, तो हमें मालिकान होने के नाते, हैदराबाद न्यूज़ का ओनर होने के नाते हम शुक्रिया अदा करते हैं दोनों ब्रांड्स का, क्योंकि ये दोनों ब्रांड्स जो थे वो अमार के बिहाफ पर आए थे, अमार की अपनी भी मेहनत थी कि भाई मैं, मेरी तरफ से भी दो स्पॉन्सर्स हैं रमजान ट्रांसमिशन में, तो हम दोनों साहिबान का जो भी हैरल कलेक्शन और नूरिया समोसा के रूहरा है उनको शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह आप अगर एक बार नूरिया समोसा खाएंगे तो आप खाने के लिए हैदराबाद जरूर आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, रमजान ट्रांसमिशन में मौका नहीं मिला, हालांकि शाम में तो हम फारिग होते थे, मेरे ख्याल में रमजान ट्रांसमिशन के जो स्पॉन्सर्स थे उनका अख्तिताम हो चुका है। नहीं, अभी एक स्पॉन्सर है ना, हमें अल्लामा अरसलान, उनकी ख्वाहिश है कि वो आपसे पूछवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अल्लामा अरसलान साहब तो हमारा ब्रांड है, हमारा फखर है, उनको सेहत वाली जिंदगी दे और उनकी जो जॉब है उनमें अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा तरक्की अता करे और वो एक जबरदस्त किस्म के एक 18-19-20 ग्रेड के अफसर बन के हमारे सामने आए, तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है उनको देखे। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन 5 सालों में जब इन जिन लोगों को हम नहीं भूलते तो हमारी जिंदगी में जो अहमियत रखते हैं वो खासतौर पर वो लोग हैं, जिसकी मैं आपको बताता चलूँ, हाई स्पीड मोटरसाइकिल है जिसने हमें 5 साल तक सपोर्ट किया और आज भी हमारे साथ हैं, हम उन्हें नहीं भूलते, हाई स्पीड मोटरसाइकिल इमरान लखानी। और आजकल उनके हालात और ऑटो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि आज इस रमजान ट्रांसमिशन में वो हमारे साथ नहीं है लेकिन हमारे दिलों में वो हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, करते रहेंगे। इसके साथ सुपरस्टार मोटरसाइकिल है उस्मान सलीम मेमन है, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हम उनकी जो है शुक्रिया अदा करते हैं। आसिफ मेमन ब्रिज पावर को कैसे भूल सकते हैं, मैं उन्हीं की तरफ आ रहा था, तो आसिफ भाई हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि ब्रिज पावर के भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है कि ब्रिज पावर जो है आसिफ भाई ने छोड़ दिए या दे दिए, वाला आलम इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन अल्लाह पाक इन सब के बिजनेसमैन्स के, इंडस्ट्रियल्स के, इनके मसाइल हल करें ताकि ये इनके साथ लाखों लोगों का रोजगार वापस आता है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करें। लास्ट बंदा, उसके बाद फिर ब्रेक पे, ब्रेक से वापसी पर हम करवाएंगे पूरे टीम से तारुफ हमारी ऑडियंस का, हमारे नाज़रीन का, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ बैठे जो लोग हैं सिर्फ इनकी मेहनत नहीं है, इनका यहाँ क्या है, हम लोग आते थे तैयार हुए, कपड़े चेंज किए, मेहमान आए, इंतज़ार किया, बात की और चले गए, लेकिन असल मेहनत उनकी होती है जो पीछे डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, उनकी है जो कैमरे चला रहे हैं, उनकी है जो चाय बना रहे हैं, उनकी है जो यहाँ वहाँ सफ़र कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनकी असल मेहनत है और असल मेहनत उसके बाद आप लोगों की, आप सबको मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आखिरी शख्स, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर अली भाई जाएंगे, तो इससे मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, हैदर भाई जो हमारे आज तक जितने भी सेगमेंट हुए, जितने भी हमारी ट्रांसमिशन हुए उसमें हैदर भाई थे, तो उनके बारे में। हैदर सुमरो माशाल्लाह से जो है वो बहुत एनर्जेटिक है और किसी काम में अगर करता है, इन्वॉल्वमेंट करता है ना, तो फिर ईमानदारी से करता है, वरना ये इतना आलसी भी है कि अगर इससे आप नहीं, ये इसको नहीं करना होगा ना काम, ये उठ के गिलास का पानी नहीं पिएगा, और जब ये काम करता है ये इसकी क्वालिटी है, मतलब होता है ना इंसान का माइंडसेट, लेकिन अगर ये काम करने पे आएगा तो उसको ईमानदारी से इन्वॉल्वमेंट के साथ करेगा, और अगर नहीं करना होगा तो आप इससे करवा लें ही नहीं करेगा, ये बोलेगा सॉरी मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना। ज़बरदस्त, और अब मैं दो बंदे हैं जैसे, जाहिर सी बात मैं एक बात कहने लगा था, मैं कहने ये लगा था कि उज़ैर भाई मुझे बड़ा अच्छा सफ़र यह रहा मेरा हैदराबाद न्यूज़ के साथ, इंशाल्लाह आगे भी ये सफ़र जारी है मेरा, मैं भी शामिल हुआ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अली नक्शबंदी साहब हमारे साथ, एक पूरा मेज़बान हमारे साथ रहे और बहुत सी मसरूफियात इनकी देखी, उलमा को बुलाना, सना खां को बुलाना, इस शख्स के बारे में और शाकिर कुरैशी, इन दो के बारे में आप कुछ कहें
ऑन कैमरा ये बताएंगे, ऑफ कैमरा में बताएंगे। सुभान अल्लाह, मोहम्मद अली नक्शबंदी के बारे में ऑलरेडी गुफ्तगू हो चुकी है, हमारा टाइम शॉर्ट है। मैं समझता हूँ मोहम्मद अली नक्शबंदी को हमने शुरुआत जब की थी तो जब भी मैंने मोहम्मद अली के बारे में बहुत थी। ये हैदराबाद न्यूज की करम रमजान के ताहयात होस्ट हैं, या आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें मेरे से करम रमजान। इन केस अगर ये पूछ कर जाते हैं तो हम इनके थाना है शहीद मोहम्मद अली नक्शबंदी, शहीद मोहम्मद अली नक्शबंदी। तो अगर करम रमजान का नाम या मरहबा सरवर कौनैन का नाम कहीं भी सुनाई देगा या कभी भी ये स्क्रीन पे ट्रांसमिशन दोनों दिखाई देंगी आने वाले वक्तों में, वहाँ पे मोहम्मद अली नक्शबंदी जरूर दिखेगा। उसके साथ तो कोई आ जाएगा लेकिन उसकी जगह कोई नहीं। अच्छा, शाकिर कुरैशी माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड बंदा है और हैदराबाद न्यूज का सबसे बड़ी बात ये शाकिर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह से वक्त का बहुत पाबंद है, वक्त का बहुत पाबंद है। अच्छा, अगर आप उसे 9 बजे बुलाएंगे तो वो 8 बजे आपके दरवाजे पर होंगे, ये उसकी सबसे बड़ी खास बात है। एएम और पीएम का फर्क कर लूंगा। हां जी, नहीं शाकिर, देखिए मैं आपको बताऊं शाकिर का बता दे तो देखिए हर इंसान में खामी और खूबियां दोनों चीजें होती हैं। शाकिर की खामी है कि वो वक्त का पाबंद है, मजाकन कह रहे थे जोहेब, लेकिन लेकिन उसकी जो उसकी खामी जो खूबियां हैं इसकी एक खामी है, इसके अलावा उसकी क्वालिटी ये है कि जब वो काम पे खड़ा हो गया तो ऐसा होता है जी इवेंट में क्या हुआ है, अब मैंने फोन किया या मुजम्मिल ने कॉल किया, अमूमन मुजम्मिल क्योंकि हमारे एडमिन ऑफिसर है, मैनेजर है, वो रबते में रहते हैं, फोन किया कि भाई उजैर भाई का ऑर्डर है कि आप क्या कर रहे हैं, बोला बस वो इवेंट में हूँ, उजैर भाई का ऑर्डर है, इवेंट को वहीं से छोड़ के आ जाए, जितना हो गया हो गई कवरेज, एक घंटे से आप हमें वापस आ जाए। आधे घंटे के बाद फिर हम शाकिर को फोन करेंगे, भाई कहाँ पहुंचे, शाकिर बोलेगा इवेंट में, तो भाई क्या कर रहे थे। उसके बाद आधे घंटे मजीद बस निकल रहा हूँ, फिर एक घंटे के बाद ये दफ्तर पहुंचेगा तो मैं नाराज होऊंगा, शाकिर यार अब क्या कर रहे थे, उजैर भाई शॉर्ट रह गए थे यार, थोड़े दो क्लिप और रह गए थे। तो शाकिर की क्वालिटी ये है कि वो काम को मतलब ना पेलता नहीं है, अगर वो काम पे खड़ा है तो ईमानदारी से ध्यान से एक एक चीज़ को ध्यान रख के कलर बैलेंस करेगा, कैमरे की फ्रेमिंग को चेक करेगा, ऑडियो पे काम करेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब वो काम को मुकम्मल अंजाम देता है, वो कहता है नहीं यार काम नहीं छोड़ना। बट एक खामी है कि टाइम का बहुत पाबंद है। अच्छा उजैर भाई, मैं ये आप दोनों माशाल्लाह बैठे हैं इदारे के लिए, मैं आप पूछना चाहूँगा जो मेरे दो मदरसे चला रहा हूँ और आसद से आपने भी देखा अलहमदिल्ला आपके भी 12 हाजिर हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे 400 बच्चे पढ़ रहे हैं उस इदारे में, फीस बिल्ला हम पढ़ा रहे हैं और रेंट की जगह पे, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देख लो यार मेरे अल्लामा अरसलान सेट के बाहर बैठा हुआ है। नहीं नहीं, अल्लामा अरसलान साहब ने तो माशाल्लाह तायद की कि भैया मोहम्मद अली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली नक्शबंदी आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ माशाल्लाह, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये दीन की खिदमत है, कुरान पाक की तालीम देना और कुरान पाक की तरवीज करना ये वैसे ही जन्नती काम है, तो अल्लाह ने आपको दुनिया में जन्नत से नवाज दिया और इंशाल्लाह आपको इसका सिला अल्लाह देगा। बस मैं यहाँ बैठ के दुआ करें और मैं तमाम व्यूअर्स से मुखैर हजरात से हैदराबाद के दरख्वास्त करूंगा, मैं 12 इससे पहले भी कोशिश करता रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल आपने की और मेरी सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद अली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फिजिकल है, आप जाके देख सकते हैं, कोई इसमें झूठ या उसमें वो कोई मकर नहीं है, आप जाएं और अल्लाह का नेक काम है और अपना अपना हिस्सा चला। नाज़रे मोहतरम, सरकार की हदीस मुबारक, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर शख्स वो है, बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो यकीनन अली नक्शबंदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुद ने कुरान सीखा हुआ है और दूसरों को सिखा रहे हैं, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं। नाज़र मोहतरम, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी पूरी हैदराबाद न्यूज़ की टीम की माजरत के साथ हम ब्रेक पे जाने से पहले मैं समझता हूँ कि एवरग्रीन की जानिब से हमारे लिए तायब भी हैं, तो हम भी वसूल कर ले। मैं चाह रहा था वो आप बोले, वसूल कर ले, मैं चाह रहा था वो आप बोले, हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे हमारे पेट, हमारा भी हक है ना, हम हमारा पेट। चले ठीक है, फिर मैं जोहेब भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ और अली नक्शबंदी भाई से गुजारिश करूंगा कि दूसरा गिफ्ट लें और उजैर भाई को आप इस चक्कर में थे कि हमें दे ही ना, लेकिन हमने खुद मांग लिया, एवरग्रीन भाई हमें स्पॉन्सर दिया है तो हमारा भी, मैं चाह रहा हूँ आप उजैर भाई को करके देंगे तो ज्यादा बेहतर, एक एक करके इनको आप दे दें, मैं उनसे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरग्रीन क्लोथिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, और एवरग्रीन क्लोथिंग जिंदाबाद, एवरग्रीन और आप हमेशा का साथ। नाज़रीन आपने देखा कितनी चालाकी से आपने गलत और किए, मैं आपको टोक देता हूँ, आपने आज सवाल नहीं किया, 29वें रोजे का सवाल रह गया आपका, और वो जल्दी से कर दें ताकि नाज़रीन जो उसका जवाब दे और 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे। नाज़रीन मोहतरम, आज इतनी प्यारी गुफ्तगू चली थी और जाहिर सी बात है जब बड़े बैठे हों फिर छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। सवाल आज का अली भाई आप बताएंगे। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम बताएं। सुभान अल्लाह, बेहतरीन सवाल। और नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, जैसा कि आपने देखा बड़ी चालाकी से हमने दो गिफ्ट बचाने की कोशिश की अली नक्शबंदी और मैंने, लेकिन जोहेब भाई ने पकड़ लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, साथ हमें आ रही हैं, अभी प्रोग्राम के बाद हमारी मुलाकात होगी और आपकी मुलाकात होगी। चोरी करने की कोशिश नहीं करना, ये हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम से जो हमारे साथ थे, पूरा काम जिन्होंने संभाला, ऑफ कैमरा, बैक कैमरा,
और जिन्होंने बहुत सारे काम यकीनन बहुत खिदमत अंजाम दी, उन सबसे मुलाकात हुई और साथ ही साथ मौजूद होंगे हमारे सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन में गेस्ट अली मदीन जो थे, मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हमारे साथ रहे बेहतरीन शख्सियत बाखलाक शख्सियत अल्लामा अरसलान जो कि कराएंगे अख्तितामी दुआ। तो देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी शहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग हैदराबाद के अजीम शान मंसूबे अब्दुल्ला मौल से बराह। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 है 150 वालन जा रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला माल यूटर्न सा लगोलग कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क तपो अचो त गडजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तहां जे ख्वाबन जो घर तामीर करियूं राबते लाए 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालेहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर पर 4-स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। नादिन एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमजान करीम की खुसूसी शहरी ट्रांसमिशन करम रमजान पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। जी नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि ब्रेक से कबल हमने आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज 29वें रोजे पर अपने उस स्टाफ से, उन लोगों से जिन लोगों की मेहनत होती है इस ट्रांसमिशन में। ये जो सेट आप देखते हैं पूरा रमजान मुबारक, और ये जो उलमा हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ मेहमान होते हैं, सनाखा होते हैं, जो मेहमान हमारे साथ आते हैं, उलमा हमारे साथ मौजूद होते हैं, सबकी खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। हमारे कैमरे के पीछे जितने भी स्टाफ मेंबर्स, जितने भी लोग इस सेट में आगे से आगे रहते हैं, काम करते हैं, यकीन माने एक ट्रांसमिशन सजाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मेहनत वाला अमल होता है। पूरे महीने सहरी तक आप लोगों के लिए, सिर्फ आप तक दीन पहुंचाने के लिए, आप तक शख्सियात को पहुंचाने के लिए ये लोग मेहनत करते हैं। हम आज उन सब का तारुफ आपसे कराएंगे। हमारे बैक कैमरा जितने भी लोग मौजूद होते हैं, जाहिर सी बात है कैमरे पर दिखने वाले चेहरे सिर्फ काम वाले नहीं होते, पीछे जो होते हैं मेन काम वो लोग कर रहे होते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं CEO ऑफ हैदराबाद न्यूज़ ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया, साथ ही साथ डायरेक्टर उज़ैर खान जय भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा उज़ैर भाई से कि उज़ैर भाई आप तारुफ करवाएं स्टाफ का। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमार मोहम्मद अली नक्शबंदी, और मेरी तरफ से आप दोनों को शाबाश। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त रमज़ान नशरियात रही हमारी, और हैदराबाद की आवाम ने जिस तरह हमें ज़बरदस्त जो है वो रिस्पॉन्स किया है इसका, उस पर हम सबसे पहले शहर हैदराबाद के लोगों के, हमारे व्यूवर्स के शुक्रगुजार हैं। उसके बाद जो है वो हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम करम फरमाओं के जिनकी वजह से और जिनकी मदद से और जिनकी हेल्प से, यानी हमारे स्पॉन्सर्स उनकी वजह से, और जो डोनेशन भी हमें लोगों की जानिब से दी गई उसकी तरफ से भी जो ये ट्रांसमिशन हम कर पाए, और जैसे कि हम हर साल कर पाते हैं, और ये सिलसिला और ये जो सफ़र है हर साल माशाल्लाह से चल रहा है, और ये पाँचवा साल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पाँचवा साल हमने एक बार फिर मुकम्मल किया, और अब हम छठे साल की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। इंशाल्लाह अगले साल आपको इससे बेहतर, इससे खूबसूरत और इससे ज़बरदस्त रमज़ान नशियात हम दिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा ज़ुहैब से कि वो जो है वो अपने जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करें, फिर मैं स्टाफ से आपकी मुलाकात करूँ। जी सबसे पहले तो उज़ैर पूरी टीम को हमारी मुबारक हो, माशाल्लाह से 29 दिन खूबसूरत अंदाज से हमने इस ट्रांसमिशन को चलाया है। हमारे मेज़बान अमार और मोहम्मद अली नक्शबंदी की मुबारकबाद की मुस्तक और सबसे ज़्यादा मेहनत वो टीम जिसने बिहाइंड द कैमरा काम किया, जिसमें हैदर सुब्रो है और जो इस वक्त की रिकॉर्डिंग में लगे हैं वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, क्योंकि भी स्टैंड अप को चलाना है। तो हैदर ने बड़ी कुर्बानी दी और कहा कि भाई
मैं चलाता हूँ, आप लोग जाए स्क्रीन पे खड़े हो तो हैदर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हम उन्हें भी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और कामयाब रमजान ट्रांसमिशन की मुबारकबाद देते हैं। उसके अलावा और भी हमारा सारा स्टाफ जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और इनकी बड़ी मेहनत है, तो मैं समझता हूँ कि इनका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। इसके अलावा जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर तो मैं समझता हूँ कि ये रमजान ट्रांसमिशन बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा एवरग्रीन क्लॉथिंग्स का, उमेर भाई का, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया, ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया और एक खूबसूरत ट्रांसमिशन हम हैदराबाद की आवाम को दिखाने में कामयाब हुए। उसके अलावा अलमदीना फ्लोर मिल्स है, यासिर भाई का बहुत बड़ा ताउन हमारे साथ रहा, हाजी महफूज शीरमाल हाउस है, फहद भाई का हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन रहा। उसके अलावा हमारे पास ब्रोना पेंट्स है, ग्लेमर पेंट्स है और अब्दुल्ला बिल्डर्स है, डेवलपर्स की तो क्या बात करें जी, इतनी खूबसूरत लोकेशन उन्होंने हमें प्रोवाइड की कि हम एक खूबसूरत सा सेट लगाकर पूरे रमजान आपके सामने बैठे रहे। और अब्दुल्ला मॉल के अंदर तो ये अब्दुल्ला मॉल का एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो कि अब्दुल्ला टावर है और भी जब आपको भी बहुत सारी चीज़ें और भी अब्दुल्ला टावर के बारे में हम बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब लोगों का ताउन रहा, लातीफ़ा ब्रेड है इसमें और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया और मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एवरग्रीन क्लॉथिंग का, उमेर भाई का, इसके अलावा अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जिन्होंने हमें जगह दी, इसके अलावा अलमदीना फ्लोर बिल्स, यासर इकबाल मलिक साहब, ग्लैमर पेंट्स, क्रोना पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, रमादा होटल एंड मॉल, लासीफा ब्रेड, शाहिद कानखानी साहब, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद, फराद हुसैन मेमन साहब, एजाज काजी साहब, रूजा इंटरनेशनल का, शफागत साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसके अलावा नूरिया समोसा ने भी हमें सपोर्ट किया, इसके अलावा हेरल कलेक्शन ने जो आप हमारी जो वार्डरोब थे, क्योंकि ये रमज़ान ट्रांसमिशन इस बार हम तीन होस्ट थे, मैंने भी होस्ट की, तो हम तीनों ने, मोहम्मद अली ने, मैंने और अमार ने, जो हमने ये कपड़े पहने पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन उसमें से बेशतर, क्योंकि कुछ हमारे भी थे, उसमें से बेशतर जो है मोस्टली हेरल कलेक्शन जो कि तिलकचाड़ी पर वाक़ है और बहुत ज़बरदस्त वार्डरोब उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा जो दीगर हमारे कर्म फरमाए जिसमें जैनब कुकिंग ऑयल भी शामिल था, उन्होंने भी हमें दिया, इसके अलावा उन्होंने हमें जो है वो ऑयल भी फ्रॉम किया जिससे हमारी ज़बरदस्त सहरी बना करती थी, हाजी महफूज की जानिब से जो है वो हमें ज़बरदस्त शीरमाल और नान सहरी में रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोवाइड किए जाते थे, उनके हम शुक्रगुजार हैं। फाद मियां के रमादा होटल एंड मॉल की जानिब से उबैद राजपूत साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं जो कि एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के आरईसी मेंबर भी हैं, तो जाहिर बात है उनका डबल ताउन हमारे साथ था, एक तरफ रमादा की जानिब से भी और दूसरी तरफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद की जानिब से भी, तो इन तमाम कर्म फरमाओं का, इसके अलावा शहर हैदराबाद की दीगर शख्सियात जिन्होंने हमें डोनेशन की मद में सपोर्ट किया और वो यहाँ पर मौजूद तशरीफ़ लाए और उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन को सपोर्ट करने के लिए अपनी जानिब से जो है उन्होंने हमें कुछ रकम और तहफ़ फराम किए, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। तो हर साल इंशाल्लाह माशाल्लाह से ये ट्रांसमिशन जारी रहती है और सबसे ज़्यादा शहरी जो है वो इसको जो बहुत सपोर्ट करते हैं और हर साल हम अल्हम्दुलिल्लाह ये पाँचवा साल भी हमने मुकम्मल कर लिया और बेहतरीन ट्रांसमिशन करते हैं और इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ की इस स्क्रीन से मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले साल इससे भी ज़बरदस्त और खूबसूरत ट्रांसमिशन हम आपको दिखाएंगे, तो आपने इसी तरह हमारे साथ बने रहना है, इसी तरह हैदराबाद न्यूज़ की साथ आपने ताउन करते रहना है, इसी तरह हैदराबाद न्यूज़ को आपने पसंद करते रहना है। मैं शाबाश देना चाहूँगा अपनी पूरी टीम को कि वो जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी मेहनत करते थे, आइडियाज़ देते थे, प्लानिंग करते थे, हमारे स्टाफ हायर स्टाफ से लेके लोअर स्टाफ तक तमाम लोग इस ट्रांसमिशन में बराबर इन्वॉल्व होते थे और अपने घर का काम समझ के इसको अंजाम देते थे, बगैर किसी भी मेरे स्टाफ मेंबर ने कभी ऐसा फील नहीं किया कि वो नौकरी समझ के इसको कर रहा है, वो इसको अपनी ट्रांसमिशन समझ के करते थे और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे कि आइडियाज़ भी देते थे कि उज़ैर भाई ज़ुबैर भाई ये कर लेते हैं, उज़ैर भाई ज़ुबैर भाई मुझे आइडिया आ रहा है, कभी कोई आइडिया दे रहा है, कभी कोई आइडिया दे रहा है, चीज़ों में हमारे साथ हेल्प आउट करते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम दिया करते थे, वक्त से पहले पहुँचते थे और वक्त के बाद जाते थे, तो इन सबको जो है वो मैं शाबाश देना चाहूँगा और मेरे साथी होस्ट और इस रमज़ान ट्रांसमिशन के दोनों दूल्हा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रोग्राम्स किए, मैंने तो कम ही किए, मैं अपनी मसूफियत की वजह से नहीं कर पाया, मोहम्मद अली नक्शबंदी जो कि ता हयात होस्ट हैं हमारे, और इंशाल्लाह आने वाली जितनी भी रमज़ान ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ पर चलेंगी उन सब में जो है वो इंशाल्लाह हमारे साथ जो है वो मोहम्मद अली नक्शबंदी ज़रूर होस्ट। यानी उज़ैर भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज आपने मेरे को जो है गद्दी नशीन बना दिया है। जी बिल्कुल, मैंने आपको अपना गद्दी नशीन बना दिया रमज़ान ट्रांसमिशन का और मौजूद हैं और ये भी हैदराबाद न्यूज़ की पहली रमज़ान नशरियात से ये पाँचवा साल है इसमें हमारे साथ हैं और इस रमज़ान में इन्होंने बहुत टाइम दिया माशाल्लाह से, मुतअद्दिद रोज़े जो है वो एपिसोड इनके साथ हुए और ये क्योंकि हमारे ज़ाती दोस्त भी हैं और बेहतरीन आलम दीन भी हैं तो हम इनके हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लामा अरसलान आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया कि जिस तरह आपने हमारे साथ जो है वो ताउन किया। दुआ से पहले क्योंकि इख्तिताम की घड़ी है, पहले हम अलविदा पढ़ेंगे उसके बाद हम दुआ करेंगे और दुआ से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने जो चेहरे आपके सामने खड़े हैं इन सबको मैं जो है वो तारुफ करा दूँ। हैदर सुमरो जो है वो हमारे इस ट्रांसमिशन के असिस्टेंट डायरेक्टर थे और वो तमाम कंसोल चलाते थे और मेरे साथ जो है मावनत करते थे, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भी
हमा वक्त जो है वो बड़ी मेहनत के साथ इसको करते रहे। साथ साथ मैं चाहूँगा मैं अपने स्टाफ का तारुफ कराता जाऊँ। मुजम्मिल आवान को आप सब जानते हैं, मुजम्मिल आवान आ गए हैं। मुजम्मिल आवान हमारे एडमिन ऑफिसर हैं, तो ये सारी ट्रांसमिशन के जो मामला थे, परचेजिंग और दीकर बाहर के काम और लोगों को लाइनअप करना, उसमें हमारे साथ मौजूद रहते थे। अमान भट्टी जो है वो आ गया है, अमान भट्टी हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, और इसके अलावा ट्रांसमिशन में हमें असिस्ट भी करते रहे। और बहुत सारी ये जो आप हमारे प्रोमोज देख रहे हैं, हमारी जो है वो आप पोस्टर्स देख रहे हैं, और जो भी आप हमारी डिज़ाइनिंग के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं उसमें हम हैं। और इसके अलावा जो इसकी जो एनिमेशन वगैरह बनी हुई हैं ट्रांसमिशन की, उसमें भी जो है वो अमान का बहुत हाथ है। इसके अलावा शाकिर कुरैशी जो कि हैदराबाद न्यूज़ का एक पुराना जाना पहचाना चेहरा है, चीफ कैमरा मैन है हमारा, ये कैमरा टीम को देखते थे। रब्बी हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारे सबसे छोटे कारकुन है माशाल्लाह, और ये बड़ा एक्टिव बच्चा है और सारे मुख्तलिफ कामों में हमारे साथ इन्वॉल्व रहता था। इसके अलावा इनायत कमरानी जो कि हमारे ऑफिस बॉय हैं, ये लोगों को चाय बनाना और बहुत ज़बरदस्त सहरी ये बनाता था, और रोज़ाना मेहमान उंगलियाँ चाटते रह जाते थे और इसके हाथ के बने खाने जो है खा के जाते थे। तो तमाम टीम को मेरी जानिब से बहुत बहुत शाबाश कि एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान ट्रांसमिशन कम्प्लीट कर पाए, और ये आज हमारा आखिरी एपिसोड है। और इंशाल्लाह देखना ना भूलिएगा, ईद के पहले और दूसरे रोज़ आपको मिलेगी ईद मेहरबान, एक ज़बरदस्त और खूबसूरत नशरियात ईद की, उसमें इंशाल्लाह ज़ुहैब और मैं आपके साथ एज ए होस्ट होंगे, और उसमें भी यही टीम सारी मेहनत करेगी, उसमें भी हम पहले से आपको शाबाश देते हैं। इंशाल्लाह ईद के दिन ही हम आपको जो है वो एंटरटेनमेंट से भरपूर, और इस बार ईद के पहले रोज़ आपको हम मुलाकात कराएंगे आपकी जो हैदराबाद की सबसे बड़ी फिल्म है जवार, उसकी जो कास्ट है उससे आपकी मुलाकात कराएंगे और उसके गाने भी सुनाएंगे, तो इंशाल्लाह ईद पे आपसे मुलाकात होगी। तो एडवांस में हम सब की जानिब से आपको ईद मुबारक हो, और अब हम चलते हैं अलविदा माह रमज़ान की जाने, क्योंकि रमज़ान की अलविदा है, तो हम अलविदा पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाह मरसलान दुआ करवाएंगे। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, कुल्फते हिजरो फुरकत ने मारा, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था, आह अब दिल पे गए गम का गलबा, अलविदा अलविदा वास्ता तुझे को प्यारे नबी का, हश्र में हमें को मत भूल जाना, रोज़ महशर हमें बख्शवाना, अलविदा अलविदा साले आइंदा शाहे हरम तुम, करना हम सब पे भी ये करम तुम मदीने में रमजान दिखाना, तुम मदीने में रमजान दिखाना, प्यारे आका तुम मदीने में रमजान दिखाना, माहे रमजान तुम मदीने में रमजान दिखाना, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الله يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين مولاي كريم ہماری تمام رمضان ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا رب العالمین جتنے بھی اعمال حسنہ اس میں کیے گئے مولا سب کو قبول فرما جو غلطی کوتائی قصدن سہون عمدن ہوئی اسے معاف فرما یا رب العالمین جتنے بھی احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما ہماری ٹیم نے جتنی محنتیں کوششیں کاوش کی مولا سب کی کوششیں کاوش قبول فرما ان کے گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا
پر نزول فرما, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اگلے سال بھی با ایمان و عافیت, صحت و عافیت, اس سے بڑھ کر رمضان ٹرانسمیشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا رب العالمین, پیارے حبیب کا صدقہ, جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, قرضوں میں ڈوبے انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے محترم مکرم عزیر بھائی کے والد کا عید کے بعد آپریشن ہے, تمام احباب دعا کریں مولا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما, انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما. زبیر بھائی کے والدہ کا انتقال ہوا, ان کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں, ان کے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب مسلمان دنیا سے گئے, مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما. رمضان میں کی جانے والی تمام نیکیاں قبول فرما, تمام گناہوں کو, خطاؤں کو, لغزشوں کو معاف فرما. ہم سب کو مدینہ طیبہ کے اندر رمضان المبارک گزارنے کی توفیق سعید عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک جائز دعائیں, نیک التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 والنجا رہائشی پلاٹ مین بائی پاس روڈ عبداللہ مال یوٹن سا لگو لگ کمرشل لوکیشن تے ریزیڈینشل پلاٹ سیکیورٹی سسٹم ویکرا روڈ خوبصورت پارک تپو اچو تا گٹ جی عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن میں تاں جے خوابن جو گھر تعمیر کریوں رابطے لائے 0333-078-1163. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر فور سٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ.